हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग यार, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज वीडियो को लाइक करना बनता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहाड़ी आ चुकी है दोस्तों, और ग्राफिक की क्वालिटी कैसी आ रही है वे एक बार कमेंट करके बताओ। और दोस्तों, आज है मेरे साथ मारुति बोलूंगा मैं से, जो इंडिया में मारुति कार आती है ना, उसी के जैसे मेरे को लग रही है। इसका एक्सटर्नल मोड है, GT5 की गाड़ी नहीं है, पर इस गाड़ी को जो बताया जा रहा है होंडा वालों की होंडा सिटी, पर ये मारुति है दोस्तों, टर्बो। ओके, होंडा वालों की गाड़ी है, इंडियन कार है दोस्तों। और आज हमारे साथ है ट्रेसिया और नताशा मैडम भी, जो कल आ जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और कल हुआ तो दोस्तों फुल टू रेडी है इस गाड़ी को चढ़ाने के लिए माउंट चिलियार्ड पर। देखते हैं हमारी इंडियन कार के अंदर कितना ज्यादा दम है और हम इसको कैसे चला पाते हैं। तो चलिए बैठते हैं दोस्तों। ओके, तो लाइट वगैरह जल जाती है इस तरीके से। ओके, इंटीरियर की बात करो तो चश्मा लगा रखा है इस टाइप को, बिल्कुल बेसिक से इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है। ये ट्रेसी बैठी है, बिल्कुल छोटी सी कार है। बिल्कुल यार, देखो छोटी सी मारुति तो छोटी सी थी ना। और इसके रुक जाओ। हाँ, इसके अगले टायर्स के अंदर पावर है इस गाड़ी के, जैसे कि इंडिया के अंदर हर छोटी गाड़ी के अंदर अगले टायर्स में ही पावर होती है, उस टाइप की आपको जो देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों चढ़ते हैं, देखते हैं हमारी मारुति हमारा नाम रोशन करती है या नहीं। वैसे दोस्तों मारुति की एक बात बताऊँ, ओ भाई साहब, ब्रेकिंग तो इसकी सही है, पर अरे यार एकदम भी ब्रेक्स नहीं लगती इस गाड़ी के, पर भाग दी बहुत है यार ये। भले पुरानी कार हो दोस्तों, पुरानी कार बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी भागती बहुत है यार। और पुरानी कार तो देखो, मैं इसको बोलता ही नहीं, बहुत प्यार से मैं अपनी मारुति को जो रखता हूँ। और देख रहे हो इसके सस्पेंशन, तो जो सस्पेंशन होता है, मतलब कि जो गाड़ी डब 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 ऐसे ऐसे करती है, वो मेरे को अपनी इस कार के बहुत सही लगे। पर दोस्तों गाड़ी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है, मेरे को तो बहुत सही लगी है। और इन रोड पे लिए मैं इसको पहली बार यहाँ पर टेस्ट करने लाया हूँ, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है भैया, मेरी उम्मीदों पे तो खरी उतरने वाली है। आप सभी लोग एक बार अपनी राय बताइएगा मेरे को, ठीक है दोस्तों? आप सभी लोग एक बार अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों की भी राय यार चाहिए ना मेरे को दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं तो अपने हिसाब से इस गाड़ी को निकाल लेता हूँ। अरे भैया आराम से यार, आराम से, इतनी तेज़ी काइको है, अरे काइको है पीछे से दोस्तों। बिल्कुल मारुति वाला लुक है यार इसका, बिल्कुल मारुति लिटरली। चलो कोई बात नहीं, अरे मारुति मत बोलना, गुस्सा आ जाता है गाड़ी को, मारुति मत बोलिए पाजी। ओह, देख रहे हो दोस्तों पावर होता है गाड़ी के अंदर। मुझे तो काफी कार है ना सही लगी है, बहुत ज्यादा सही लगी है। और रही बात अगर अंदर से भी कार का मीटर वगैरह सही है, और छोटी सी कार है, कंट्रोल करने में भी सही है, कंट्रोल हो जाती है एक बार में ही, बंदे से ज़्यादा बंदा कंफ्यूज नहीं होता है कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो दोस्तों कंट्रोल नहीं होगी। पर ये जो मारुति है ना, मारुति 800 हर कोई कंट्रोल कर सकता है, 800 CC गाड़ी, पर आई डोंट नो कि ये भी 800 CC की है, ज़्यादा CC की है, पर सही है यार, सही है मारुति 800 ने दिल जीत लिया दोस्तों आपके भाई का। अरे अरे देखता हूँ ये लगती है नहीं, इसका बम्पर भी बहुत महंगा आता है मारुति गड्डी का। पर ये हमारी मारुति है कैसी, जैसी भी है बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। मारुति सही चल रही दोस्तों यार, जरा सा भी गाड़ी के अंदर कोई शिकर वगैरह या नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला दोस्तों। लिटरली बिल्कुल सही चल रही है दोस्तों गाड़ी, तो बिल्कुल सही, कुछ भी ऐसे अभी तक तो ऐसी चीज नहीं देखने के लिए। पावर बहुत है दोस्तों कार में, ये बात तो भूल मत जाना सब लोग, पावर बहुत है, पावर के हिसाब से तो दोस्तों कार इतनी सही है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह भैया लगा रखा है, उठते पता नहीं धीरे कब को चढ़ती जा रही है दोस्तों, उतरी कितनी उठ गई थी देखो, अभी कितनी उठ गई थी दोस्तों, इतनी ऊपर गाड़ी चलती है। ये कर क्या रहा है, कलवा पीछे देख रहा है क्या, देखो जा गाड़ी में दोस्तों पावर तो माननी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, लिटरली बहुत ज्यादा पावर है। चलो भैया आराम से, ज्यादा जल्दी तो देखो हमें है नहीं, पर डिस्क ब्रेक के साथ मेरी गाड़ी जो है बहुत सही चल रही है, बहुत ज्यादा सही। अरे यार पाजी 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 रामलाल पाजी रामलाल पाजी रामलाल पाजी राम, रुक जाओ
जिस गाड़ी के पिछले टायर में जान होती है ना वो तो मुड़ जाती है ऐसे, पर ये नहीं मुड़ेगी दोस्तों। आराम से कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है हमको। असल में इसके अगले टायर में पावर है ना तो गाड़ी है ना इसलिए हल्की सी स्किड खाती है। स्किड तो देखो दोस्तों हर गाड़ी खाती है, बट ये वाली गाड़ी थोड़ी ज्यादा खाती है जिनके अगले टायर में पावर होती है। अब जो मेरे पास है मेरी i10 स्पोर्ट्स तो वो भी स्किड बहुत खाती है। अगर आपने मेरी कार नहीं देखी तो मेरे ब्लॉग्स में जाकर देख लो एक टेक्निकल पॉइंट पर। तो भाई सब पाजी आराम से ओ तेरी भैया जी थोड़ा स्माइल तनिक थोड़ा स्माइल करो। हैंड ब्रेक का तो प्रयोग देखो दोस्तों इस ऐसी कार्स के अंदर ऐसी कार ड्रिफ्ट करने में बड़ी सही रहती है दोस्तों। ओ तेरी देख रहे हो दोस्तों स्किड खाती हुई निकलती है छोटी सी गाड़ी। और ऐसी गाड़ी को कहीं भी ले जाओ अपनी रिश्तेदारी में सब बोलेंगे यार क्या मजबूत कार है। आज के टाइम में नहीं बोलता, आज के टाइम में बोलता क्या मारुति 800 में घूम रहे हो रे पाजी तुम। पर यार बंदों की पसंद मारुति 800 तुम्हें क्या है ना दोस्तों, जिसकी गाड़ी है उसकी पसंद, अब कलवा की गाड़ी है कलवे की पसंद, तुम क्या खुद तुम कौन होते बोलने वाले है ना दोस्तों। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो यार जिसकी गाड़ी है उसकी पसंद है दोस्तों। चलो अरे आराम से पाजी उतरी। ओ भाई साहब अरे भाई साहब ओ मेरी मारुति 800 को फिक्स करो भैया वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा बहुत जल्दी। हाँ मेरी मारुति 800 है, टायर भी मेरी मारुति वाले ही है। क्यों दोस्तों मैं भैया बिना फिक्स करे चलाऊंगा इसको। हाँ मेरी मारुति ने मेरा बहुत साथ निभाया दोस्तों, क्या बात है मेरी मारुति की चढ़ गई दोस्तों। भारत की जो कार होती है ना वो दमदार होती है, पता चल गया मुझे भारत में जो कार बनाई जाती है बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत सही लगी दोस्तों। तो भाई साहब स्किट खाती हुई निकल रही है, स्किट खा रही है स्किट कड़ 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 ऐसे ऐसे स्किट खाती है। अरे भाई साहब आराम से ज़्यादा तेज नहीं। हाँ आराम से जितनी भी होनी बस सही तरीके से निकाल लोगे तो आपके लिए भी सही होगा, मेरे लिए भी सही होगा और सब लोगों के लिए भी सही होगा। पर ज़्यादा भी होनी बस ठीक ठाक निकाल लो दोस्तों है ना। ओ पाजी ओह ये क्या है? देखा मारुति के जो नीचे आएगा ना दोस्तों वो चूर चूर हो जाएगा। मैंने बोला था कि मारुति के नीचे मत आ पर आना है आजा घुस जा मारुति के नीचे बेवकूफ। अब ये मेरे को पता नहीं कौन सा जानवर था, चलो कोई बात नहीं ऐसे माइंड मत करना दोस्तों। माइंड किया तो डरना क्या माइंड किया कोई चोरी नहीं की चुप चुप के यहाँ भरना क्या। ज्यादा मत रे बोल मेरी मारुति गड्डी के बारे में, चल कलवे चढ़ा दे देखी जाएगी, जब जो चीज टूटेगी तो मैं बाद में सही कर दूंगा क्योंकि चढ़ तो गया मेरे को गुस्सा। अरे आराम से कलवे ट्रेसिया डर रही है। ओके दोस्तों तुम्हारे भाई ने मारुति 800 यहाँ पर चढ़ाई, ये इंडियन कार, मेरे को तो बहुत मजा है इस गाड़ी के साथ। चलिए अब देखते हैं इस कार की मजबूती कितनी है, ये कार कितना कुछ झेल सकती है। चला बैठ ट्रेसी, अब इस गाड़ी की मजबूती भी चेक कर ली जाए, ये गाड़ी कितनी अच्छी सेफ है और कितनी बेकार है दोस्तों देखते हैं। मतलब कि आ जाते हैं ये देखते हैं लग गई, चलो कोई बात नहीं। मतलब कि बंदा बचता है गाड़ी के अंदर या नहीं बचता है ऐसी चीज़ तो देखो दोस्तों मुझे एक चेक तो करनी पड़ेगी ठीक है ना। सेफ्टी इज फर्स्ट, सबकी सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों। अगर गाड़ी इस तरीके से पहाड़ से गिर भी जाए सीधा फटेगी क्या होगा, मेरे ख्याल से तो फटेगी। उत्तरी मेरे ख्याल से जो सेफ्टी है सेफ्टी सही है। ओ भाई साहब अब तक इंजन जो है दोस्तों काम कर रहा है, गाड़ी का इंटीरियर को कुछ भी नहीं हुआ है और सही तरीके से चलती जा रही है। ओ भाई साहब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सही है वैसे गाड़ी दोस्तों, गाड़ी कहीं से भी निकल सकती है। ओ भाई साहब अबे क्या निकल रहा है नीचे से, इसकी तेल की जो टंकी है वो फट चुकी है, तेल की टंकी फट चुकी है दोस्तों गाड़ी की।
ज्यादा तो नहीं, अभी बस वही मेरे को देखने की। आग पकड़ ली दोस्तों गाड़ी ने। ओके, असल में गाड़ी के तेल की टंकी फट गई जब आग पकड़ी है, फटी नहीं है। अब जब चिंगारी लगती है तो दोस्तों आग तो देखो पकड़ी जाती है ना। ओके भाई साहब, ओके ओके ओके, इतना कुछ तो भैया देखो कार ने झेल लिया बास्टर्ड, और मैं भी इसके साथ जो है मर गया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा दोस्तों, बहुत दुख के साथ। मारुति के अंदर कलवा भाई मर गए मारुति के अंदर। पर दोस्तों जो गाड़ी के सेफ्टी फर्स्ट होती है कि फटी नहीं है, अगर गाड़ी पहले रुक जाती है तो बंदा निकल सकता है, क्योंकि गाड़ी की पहले तेल की जो टंकी फटी थी, तो सेफ्टी के मामले में गाड़ी इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। कलवे को तो चोट लग गई, कलवा आ गया, मारुति कलवा पहाड़ पे नहीं चढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और चैनल पर नया तो बिना सब्सक्राइब किए वगैरह बजाय, क्योंकि यहाँ पर रोजाना गेम प्ले एंड गेमिंग एंड गेम प्ले से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।